शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अम्मा, क्या है तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खाली दूसरे के पेट पे लात मार रही है। चुप जा बैठ। अम्मा, तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी है। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ, मालूम? हाँ तो जा, आज की बात मत आना मेरे दरवाजे पर। तो नहीं आऊंगा, पुलिस वाले की बीवी तो धोंध जमाती है क्या? वर्दी वाले भिखारी की बीवी। क्या बोला? हाँ फिर, तू क्या समझती है गाँव में तेरा एक दरवाजा जहाँ भीख मिलती है? 50 दरवाजे हैं जहाँ पे लोग भीख देने के लिए भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, भीखो भिखारी, हाँ मालिक, भीख ले जाओ, मालूम? जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका कोई चांस नहीं है। अम्मा, अबे तानसेन की भिखारी औलाद। बोलो माई बाप। इधर आ जा। आ गया माई बाप। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए? मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? हाँ जानता हूँ। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती क्या है। बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर? सारा जमाना यही कहता है। आए? आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। लात मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ, चल। पायल कहीं का। सच कहा है किसी ने, क्या जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बनकर चल, छोकर, कितना कमाया, कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा भूल। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं माई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते। मत मांगो, मेरा क्या है? गधी कहीं की साली। गुरु क्या है वो? देखो, अबे हट। किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। अपने गांव में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? पता नहीं यार, मेरी बचपन से तमन्ना थी क्या कि मैं फिल्म का हीरो बनूं। तू गुरु, इसकी मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? उसकी और तेरी जैसे बगले और कौवे की होती है ना वैसे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। पिताजी। तेरे को क्या? आपको बोल रही, मुझे थोड़ी बोल रही है। पिताजी कौन है तू? मैं तुम्हारी इकलौती लाडली बेटी नेहा। क्या हुआ पिताजी? अरे नेहा, तू तू शहर जाकर अपने आप को कितना बदल लिया। माँ कहाँ है? अंदर है, अंदर जा जा जा। ए, रसोई घर में। 10 सेकंड में कितने सारे सपने देख डाले, सब मिट्टी में मिल गए। ए बंदर मंकी, इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? कहाँ दिख रहा हूँ? क्यों ऐसा लगता अंधेरे ने गॉगल पहना हुआ? अरे हट, बचाओ बचाओ बचाओ। Thank you.
सीधी तरह पैसा दे दे वरना मार डालूंगा मैं तुझे। परवाह नहीं, तुम लोग चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मैं पैसा हर किसी दूंगा। मैं भोग दूंगा। तू भोंगेगा तो मैं चिल्लाऊंगा। तू चिल्लाता जाएगा मैं भोंगता जाऊंगा। तू भोंगते रहेगा तो मैं काट खाऊंगा। बहुत अच्छा पिट रहे दोनों, जाओ तुम भी पिटो, जाओ जाओ। ये लोग क्यों मार रहे थे? कोई दुश्मनी है? अरे कोई दुश्मनी नहीं है, दरअसल मैं सुबह सुबह मंडी में गया, अपने सारे काम खत्म किए, अपनी रकम रुमाल में बांधी और अंटी में छुपाई और अपने रास्ते चल पड़ा। जब मैं शिव मंदिर पहुंचा तो पीछे से किसी ने कसकर मेरी गर्दन में मारा और तेज धार वाली छुरी निकालकर मुझे कहने लगा, अपनी सारी रकम निकालकर मुझे दे दे नहीं तो भोंक के रख दूंगा। तब मेरे भैंसे वाले दिमाग में आया कि ये आदमी चोर उचक्के हैं और मेरी रकम लूटना चाहते हैं। कितनी रकम है आपके पास? 9 रुपए 12 आने। क्या 9 रुपए 12 आने? हाँ क्यों? कमाल के इंसान है आप, 9 रुपए 12 आने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये 9 रुपए 12 आने कीमती हैं या आपकी जान? 9 रुपए 12 आने कीमती है क्योंकि शरीर में जो जान है वो मेरी है लेकिन अंटी में जो पैसे हैं वो अमानत किसी और की है। हाँ बाबूजी, मेरे पड़ोसी किशन ने मुझे अपनी मुर्गी दी और बोला कि मंडी में बेचा, अब अगर रकम लूट जाती तो किशन के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती? शंकर अपनी जान गवा सकता लेकिन किसी के सामने अपना ईमान नहीं गवा सकता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धामपुर का। और आप? गंगापुर का। गंगापुर के? सुना है गंगापुर गांव के प्रधान रवि बाबू बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है, आप उन्हें जानते? जी वो मैं ही हूँ। आप है? अरे बाप रे बाप, आज तक सिर्फ सुना था कि भगवान इंसान के दिल की तमन्ना कभी ना कभी जरूर पूरी करता है, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। आपसे मिलने का बड़ा दिल था बाबूजी, आज आपके दर्शन हो गए। चलिए मैं आपको गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। वो सामने केले का झाड़ है ना, वहां आगे को रोक दीजिए, आप घर चलिए। आज नहीं, देर हो गई, फिर किसी दिन आऊंगा। जरूर आइएगा। जरूर, वादा? वादा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा जी। अरे बाबूजी, अगर आपको मंडी में अच्छे जानवर खरीदने या बेचने हो तो शंकर को जरूर याद कीजिएगा, आदमी के बीच रहकर मुझे जानवरों की बहुत अच्छी पहचान हो गई है। तो एक काम कीजिए, एक अच्छी सी दूध वाली गाय दिलवा दीजिए। ठीक है, आप 2 दिन बाद आ जाइए, मैं आपके लिए अच्छी सी गाय ढूंढ कर रखता हूँ। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। माँ, 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 मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। मेरी बच्ची, भगवान ने मेरी प्रार्थना, अब सारे गांव को मैं मिठाई खिलाऊंगी। क्या बात है भाभी जी, किस खुशी में सारे गांव को मिठाई खिलाई जा रही है? पिताजी मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? जब तू अपने माँ के पेट में थी ना, तभी मैंने अपनी सारी बुद्धि निचोड़ कर तेरे भेजे में टपका दी थी। शायद इसीलिए आपकी सारी बुद्धि गायब हो गई है। फिर से शुरू हो गई? अपना काम करना ठीक से, नहीं तो काट के रख दूंगा तुझे, हर वक्त मेरा अपमान करती रहती है। अच्छा बाबा, पहले मेरी बात सुनो फिर तुम लोग झगड़ा करते रहना। माँ, मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करना चाहती हूँ। मुझसे क्या पूछती है? रवि से पूछ। रवि से? इसने आज तक तेरी सारी पढ़ाई का खर्च उठाया है। अरे रवि से पूछने उछने की कोई जरूरत नहीं है, घर में मेरा हुक्म चलता है, उसका नहीं। और मैंने तुझे मास्टर नहीं बनाने के लिए इतना पढ़ाया क्या? अब घर संभालना सीख, अब तो तू बहू बनकर मेरे घर में आएगी। वाह भाभी जी वाह, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और 2-4 महीने जी लो। अरे सत्यानाश हो तेरा, 2-4 महीने, 200 साल और जीऊंगी और बहू के बच्चों के बच्चों को देखने के लिए जिंदा रहूंगी, समझा? और इसी महीने रवि से तेरी मंगनी कर दूंगी। गुरु, चलते टाइम आपकी टांगे हिलती हैं। अरे यारा दूर रह जा यार, कितना पीछे रहा हूँ, बदबू आ रही है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ए, इधर आओ। जी मालिक। नजदीक आओ,
जानता नहीं हम कौन हैं? जी आप प्रधान बाबू के होने वाले ससुर हैं। और ससुर के सामने सर पर पगड़ी बांधकर घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पगड़ी उतार, कमर में लपेट ले, चल हट। राम राम मालिक। हराम खोर, चर्बी चढ़ गई है? नहीं मालिक। इतने बड़े आदमी का अपमान करता है? नहीं मालिक के बच्चे, है? तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर है? और उनके सामने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली? मालिक आपने कल्लू को मारकर पगड़ी कमर से बांधने के लिए कहा था, इसीलिए किया। लेकिन जब तक हम थप्पड़ नहीं मारते, हुकुम नहीं देते, गाली नहीं देते, पगड़ी सर पर ही होनी चाहिए। बांध पगड़े, रात को भी बांध के रखना, नहीं तो सर काट दूंगा। जा। अबे जानवर। जी बड़े भाई। ये छाता तू किसके लिए पकड़े हुए है? अपने लिए। अच्छा है? क्या ये छाता हमने तुझे भीख में दिया हुआ है? नहीं सरकार, इंसान जो चीज खुद भीख में लाता है वो दूसरों को भीख में कैसे दे सकता है? फिर बकवास। देखिए ये आपकी जान के खिलाफ है। आपको आप राजा है, बड़े आदमी है, मैं आपका वजीर हूँ, इसलिए मारामारी बंद। मारने का काम मेरा, अगर आज के बाद आपको भी मारना होगा ना तो मैं मारूंगा। ओहो, अब देखिए मैं कैसे गोल खिलाता हूँ। फॉलो मी। ओहो, नमस्ते मालिक। हॉल्ट, पतली जात के मोटे जानवर, हराम खोर, तूने इनको क्या समझ रखा है? ये कोई जलील है, लुच्चे है, लफंगे है, कुत्ते है, गधे है, कौन है? कितनी गालियां दे रहा है? गाली नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इसको याद दिला रहा हूँ कि आप इस गांव के प्रधान के होने वाले ससुर हैं, और इसने आपके सामने कमर के नीचे कपड़ा बांधा हुआ है। आराम घोर, निकाल इसको। अरे नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। ये महाराज। अरे बाप रे, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, ये देख क्या क्या दिखा रहा है। अरे करीब आके दिखा। अरे नहीं, अरे एक बात याद रखना, मरते दम तक अरे बाप रे इसी हालत में हर रोज सुबह इनके पास जाना, सुबह दोपहर शाम और रात इनको सलाम करना, एक एक घंटे तक। खुश महाराज। आराम खोर, ठहर जा, कमीने का।